आरएसएस यानी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ। आरएसएस की स्थापना 1925 में डॉक्टर केशव बलिराम हेडगेवार ने विजयादशमी के दिन नागपुर में की थी। संघ की स्थापना का मकसद जातियों के नाम पर बटे हिंदू समाज को एक करना था। आरएसएस में सबसे बड़ा पद सर संघ चालक का होता है, जिसके निर्देशों पर पूरा संगठन काम करता है। संघ प्रमुख अपने उत्तराधिकारी का ऐलान खुद करता है। फिलहाल संघ के वर्तमान सरसंघ चालक मोहन राव भागवत हैं। संघ के ज्यादातर काम शाखाओं के माध्यम से होते हैं। आरएसएस नियमित रूप से सुबह और शाम को शाखाएं लगाता है। संघ के कार्यकर्ताओं को स्वयं सेवक कहा जाता है। शाखा के दौरान सभी स्वयं सेवक आपस में एक निश्चित स्थान पर मिलते हैं। आज पूरे भारत में संघ की लगभग 50,000 से ज्यादा शाखाएं लगती हैं। दरअसल शाखा ही तो संघ की बुनियाद है, जिसके ऊपर आज ये इतना विशाल संगठन खड़ा हुआ है। शाखा में खेल, योग, वंदना और समाज से जुड़े अहम मुद्दों पर चर्चा की जाती है। ऐसे हम कह सकते हैं कि ये संगमे परंपरा जो है, तो समाज धर्म कुछ रहा है तो अपने समाज में, मैं ये नहीं कहता केवल संगमे परंपरा है, और भी लोग हैं, लेकिन संगमे एक प्रक्रिया है जिससे जो जैसा है वैसा उसको लेकर, जैसा चाहिए वैसा उसको बनाया जाता है। ऐसी यह परंपरा है। मेरा अनुभव है, एक छात्रावास में एक बालक, अनपढ़ बालक, दूर जंगल में जिसका घर है, घर में खाने पीने को तो है लेकिन कैश नहीं रहती, तो कैश कमाने के लिए तहसील स्थान पर आया। बस पढ़ लिख ही सकता था तो उसको नौकरी कहां मिलेगी आज के युग में। तीन दिन भटका, किसी परिचय से आया था, वहां एक छात्रावास चलता था उसमें रुका था। तीन दिन उसको नौकरी नहीं मिली। उसने छात्रावास को देखा कि वहां भोजन बनाने के लिए कोई चाहिए, साफ सफाई करने के लिए चाहिए, तो छात्रावास प्रमुख ने उसने कहा छात्रावास प्रमुख को कि मुझे नौकरी दीजिए, मुझे आवश्यकता है। तो छात्रावास प्रमुख ने बताया उसको कि हमारा छात्रावास वो मिशनरियों का जैसा नहीं है कि पैसा आ रहा है, कहां से आ रहा है पता नहीं, लेकिन आ रहा है और दिया जा रहा है। हम तो बहुत गरीब लोग हैं, हम तुमको ज्यादा दे नहीं सकते, तुम्हारा उसमें होगा नहीं। तो बोले कहीं कुछ मिलता नहीं, थोड़ा मिल जाए। तो छात्रावास प्रमुख ने कहा भाई 30 रुपया महीना से ज्यादा हम तुमको नहीं दे सकते। तो उसने कहा ठीक है, 4 महीने का इकट्ठा दे दीजिए, कुछ नहीं भेजने से 4 महीने में 100 रुपया घर भेजूंगा, खाना पीना रहना यहां हो जाएगा। ठीक है, रह गया वो। 4 महीने के बाद छात्रावास प्रमुख ने उसका 120 रुपया उसके हाथ पर रखा, उसने वापस कर दिया। छात्रावास प्रमुख ने कहा कि क्यों भाई, क्या हुआ? उसने कहा देखिए मैं गुस्सा नहीं हुआ, मैं रहने वाला हूं, काम करने वाला, पैसा नहीं लूंगा। क्यों? तो नहीं, यहां एक आए थे, वो क्या कहते हैं, प्रचारक, वो प्रचारक आए थे, उनको मैंने पूछा क्या पढ़े हैं, तो उन्होंने कहा कि एमकॉम एलएलबी। बोले ये क्या होता है? तो उन्होंने बताया तुम क्या पढ़े हो? तो चौथी क्लास। ठीक है, तो 10वीं 12वीं 15वीं 18वीं ऐसा मैं पढ़ा हूं। ये इतना पढ़े? तो कहां नौकरी करते? तो नौकरी वगैरह कुछ नहीं, फिर पैसा नहीं कमाता हूं, वकालत नहीं करते। फिर घर का कैसे चलता है? तो घर बार मेरा अपना नहीं है, पिताजी भाई वगैरह है वो अपना चलाते हैं, मेरी घर गृहस्थी नहीं। क्यों नहीं है? ये काम करना है, इस काम का कोई मिलता? कुछ नहीं मिलता है। तो फिर आप क्यों करते हैं? तो अपने लोगों के लिए करना है। तो मेरे मन में विचार आया कि ठीक है, ये एमकॉम एलएलबी हो गए और फिर भी कर रहे हैं, हम चौथी पास है तो क्या हुआ, हम नहीं कर सकते? हम भी करेंगे। 10-12 साल वो पूर्णकालिक के नाते निष्ठापूर्वक काम करते रहा। उसके घर की स्थिति देखकर बाकी कार्यकर्ताओं को लगा कि अब इसको थोड़ा वो भी देखना चाहिए। उसको ड्राइवरी वगैरह सिखाकर उसको फिर गृहस्थी वाला हमने बनाया योजना से। ये प्रेरणा वहां मिलती है, उसकी योजना। और योजना क्या है? बौद्धिक वर्ग नहीं, भाषण नहीं, कुछ नहीं, दीप से दीप जलता है, जीवन से जीवन जलता है। वो जीवन थे, वो जीवन है, वैसे जीवन और चाहिए। इस बात को ध्यान में रखकर आप आज के पूरे कार्यक्रम का विचार कीजिए और एक उस इस दृष्टि से इस पुस्तक का एक एक अक्षर पढ़िए,
तो जिस भावना से यह पुस्तक लिखी गई उसी भावना से उसका अर्थ भी आपके ध्यान में आएगा और ऐसे जीवनों के संस्पर्श को हम कुछ भाग्यशाली लोग प्राप्त कर गए, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से आपको भी आपके पूर्व पुण्य से उस भाग्य का स्पर्श होगा, आपकी एक नजर बन जाएगी। तो पुस्तक के लोग तो हो गए, लेकिन जो आज भी काम कर रहे हैं ऐसे प्रेरक जीवन जब चाह हृदय में आपके जगती है तो अपने आप चलकर आपके संपर्क में आएंगे, ऐसा भाग्य हम सबको मिले। इस शुभकामना के साथ आप सबको धन्यवाद देता हुआ मैं अपनी कार्यशब्द समाप्त। दुनिया के सबसे बड़े संगठन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने 80 साल के सफर में कई मुकाम हासिल किए तो कई विवाद भी खड़े हुए। संघ को कई बार प्रतिबंधित भी किया गया। संघ पर पहला प्रतिबंध 1948 में लगाया गया जब कथित तौर पर संघ के स्वयंसेवक नाथूराम गोडसे ने महात्मा गांधी की गोली मारकर हत्या कर दी। दरअसल 30 जनवरी 1948 की शाम को नई दिल्ली स्थित बिड़ला भवन में महात्मा गांधी की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। वो हर शाम को प्रार्थना किया करते थे। 30 जनवरी 1948 की शाम भी जब वो संध्याकालीन प्रार्थना के लिए जा रहे थे तभी नाथूराम गोडसे ने पहले उनके पैर छुए और फिर सामने से उन पर 3 गोलियां दाग दी। नाथूराम गोडसे सहित 8 लोगों को बापू की हत्या की साजिश में आरोपी बनाया गया था। इन 8 लोगों में से 3 आरोपियों शंकर किस्तैया, दिगंबर बड़गे और वीर सावरकर के नाम भी शामिल थे। हालांकि दिगंबर बड़गे को सरकारी गवाह बनने के बाद बरी कर दिया गया और शंकर किस्तैया को हाईकोर्ट में अपील करने पर माफ कर दिया गया। और वहीं वीर सावरकर के खिलाफ कोई सबूत नहीं मिलने की वजह से अदालत ने उन्हें जुर्म से मुक्त कर दिया। बाद में सावरकर के निधन पर भारत सरकार ने उनके सम्मान में एक डाक टिकट भी जारी किया। वहीं अंत में बचे 5 अभियुक्तों में से 3 गोपाल गोडसे, मदनलाल पाहवा और विष्णु रामकृष्ण करके को आजीवन कारावास दिया गया जबकि नाथूराम गोडसे और नारायण आपटे को मौत की सजा दी गई। वैसे संघ पर प्रतिबंध का सिलसिला यही नहीं रुका। 1975 में इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी के दौरान जनसंघ के साथ साथ राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पर भी प्रतिबंध लगा दिया। इसके बाद 1992 में भी बाबरी विध्वंस के बाद संघ प्रतिबंधित किया गया, हालांकि बाद में प्रतिबंध हटा लिए गए। पर ऐसा नहीं है कि संघ ने सिर्फ प्रतिबंध ही झेले, गांधी जी से लेकर के नेहरू तक ने संघ की नीतियों और कार्यों की सराहना भी की। संघ के एक कार्यक्रम में सभी जातियों के लोगों को एक साथ भोजन करते देख खुद गांधी जी ने संघ की सराहना की थी, क्योंकि गांधी जी भी समाज में फैली छुआछूत की बीमारी के खिलाफ आवाज बुलंद कर रहे थे। वहीं 1962 में भारत चीन युद्ध के दौरान प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू संघ की भूमिका से इतने प्रभावित हुए कि 1963 में गणतंत्र दिवस की परेड के दौरान संघ को शामिल होने के लिए आमंत्रित किया। और खास बात यह भी रही कि नेहरू ने 24 जनवरी को इस बात का ऐलान किया और महज 2 दिनों के अंदर 3000 से ज्यादा स्वयंसेवक पूर्ण गणवेश में लाल किले में मौजूद हो गए। आरएसएस के अलावा संघ के और भी संगठन हैं, जिनमें सेवा भारती, विद्या भारती, स्वदेशी जागरण मंच, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद, हिंदू स्वयंसेवक संघ, भारतीय मजदूर संघ और भारतीय किसान संघ प्रमुख हैं। आरएसएस का प्रमुख कार्यालय नागपुर में है। संघ के पहले सरसंघ चालक डॉक्टर केशव बलिराम हेडगेवार थे। उनके बाद माधवराव सदाशिव राव गोलवरकर ने संघ की कमान संभाली। इमरजेंसी के दौरान जब संघ पर प्रतिबंध लगा तो गोलवरकर ही संघ के प्रमुख थे। गोलवरकर को गुरुजी के नाम से भी जाना जाता है। वहीं गुरुजी के बाद मधुकर दत्तात्रेय देवरस को संघ की कमान दी गई। 1992 में हुए बाबरी विध्वंस के दौरान दत्तात्रेय देवरस ही संघ के प्रमुख थे। देवरस के निधन के बाद प्रोफेसर राजेंद्र सिंह, जिन्हें रज्जू भैया के नाम से भी जाना जाता है, संघ के सरसंघचालक बनाए गए। साल 2000 में सीतारामैया सुदर्शन आरएसएस के प्रमुख बने। फिलहाल मोहन राव भागवत के दिशा निर्देशों में संघ का काम चल रहा है। संघ के प्रमुख मुखपत्र पांचजन्य और ऑर्गेनाइजर हैं। पांचजन हिंदी,
जबकि ऑर्गेनाइजर अंग्रेजी में प्रकाशित होता है।